हेलो फ्रेंड्स मैं हूं मोहित और स्वागत है आपका असेंशियल ऑफ मेडिकल साइंस में हमारा टॉपिक चल रहा था ब्रेस्ट और हमने दो वीडियोस अभी तक ब्रेस्ट में किए हैं फर्स्ट वीडियो में हमने सिचुएशन पढ़ा था ब्रेस्ट का एक्सटेंट पढ़ा था उसके डीप रिलेशंस पढ़े थे और स्ट्रक्चर ऑफ द ब्रेस्ट में स्किन वाला पार्ट पढ़ा था फिर सेकेंड वीडियो में हमने क्या पढ़ा था सेकेंड वीडियो में हमने पढ़ा था पेरनगाइमा ऑफ द ब्रेस्ट और स्ट्रोमा ऑफ द ब्रेस्ट ब्लड सप्लाई ऑफ द ब्रेस्ट एंड नर्व सप्लाई ऑफ द ब्रेस्ट अब नेक्स्ट आता है लिम्फेटिक ड्रेनेज ऑफ द ब्रेस्ट और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो ये पूरा वीडियो हमारा लिम्फेटिक ड्रेनेज पे ही होगा क्योंकि ये टॉपिक अलग से भी आता है शॉर्ट क्वेश्चन में भी और लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ सकता है क्योंकि बहुत ही बड़ा टॉपिक है लिम्फेटिक ड्रेनेज और बहुत ज़्यादा हद से ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है सिर्फ ब्रेस्ट में नहीं बहुत जगह आप इसको टॉपिक को पढ़ोगे लिम्फेटिक ड्रेनेज ऑफ ब्रेस्ट बहुत जगह इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे बहुत सारे कार्सिनोमा जो हैं वो मेटास्टेसिस करते हैं तो लिम्फेटिक ड्रेनेज इज़ ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस टू द सर्जन बिकॉज कार्सिनोमा ऑफ ब्रेस्ट जो है वो स्प्रेड करता है इन्हीं लिम्फेटिक्स के थ्रू रीजनल लिम्फ नोड्स में मतलब लिम्फेटिक्स मतलब लिम्फेटिक वेसल्स की बात कर रहा हूँ मैं तो लिम्फेटिक ड्रेनेज ऑफ ब्रेस्ट इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि जो ब्रेस्ट का कार्सिनोमा होता है वो सिर्फ कार्सिनोमा ऑफ ब्रेस्ट जो है वो ब्रेस्ट में ही नहीं सीमित रहता वो और ऑर्गन्स में भी फैल जाता है लिम्फेटिक्स के थ्रू लिम्फ वेसल्स के थ्रू वो दूसरी ऑर्गन्स में भी फैल जाता है जो कैंसर जो है वो तो कार्सिनोमा क्या है कैंसर है कार्सिनोमा ऑफ ब्रेस्ट बोल दो या कैंसर ऑफ ब्रेस्ट बोल दो एक ही बात है लिम्फेटिक ड्रेनेज को हम दो हिस्सों में पढ़ेंगे पहले हम पढ़ेंगे लिम्फ नोड्स और फिर हम पढ़ेंगे लिम्फेटिक्स लिम्फ नोड्स होती हैं मान लो ये हमारा एक लिम्फ नोड है इसमें बहुत सारी लिम्फैटिक वेसल्स आके ड्रेन करेंगी जैसे हार्ट होता है ना हार्ट में बहुत सारी मतलब हार्ट में ड्रेन करती है ना आर्टरीज और उधर से इन्फीरेवेना इन्फेवेना कहवा सुपे वेना कहवा ड्रेन करती है हार्ट में इसी तरह से लिम्फ नोड्स होते हैं जहाँ पे बहुत सारे लिम्फेटिक वेसल्स आके ड्रेन करते हैं अपना लिम्फ़ ठीक है यहाँ पे लिम्फ ड्रेन होता है तो लिम्फ नोड्स प्रेजेंट होंगी और लिफेटिक्स क्या होंगी जो लिम्फ नोड्स में ड्रेन कर रही होंगी वेसल्स होंगी लिम्फ के लिए लिम्फ नोड्स की बात करते हैं लिम्फ फ्रॉम द ब्रेस्ट ड्रेन इंटू फॉलोइंग लिम्फ नोड्स अब हम एक एक करके तीन हम अलग अलग पार्ट्स में लिम्फ नोड्स को पढ़ेंगे तीन मेन इसमें पॉइंट्स आएंगे लिम्फ नोड्स के अंदर सबसे पहला सबसे पहला जो लिम्फ नोड सबसे इंपॉर्टेंट लिम्फ नोड है वो है एक्जिलरी लिम्फ नोड्स तो जो लिम्फ होता है ब्रेस्ट का वो मेनली ड्रेन करता है कि इसमें एक्जिलरी लिंफ नोड में लिम्फ फ्रॉम द ब्रेस्ट मेनली मैं बोल रहा हूँ मेनली ड्रेन इंटू द एक्री लिम्फ नोड कुछ याद ना आए तो एक्जरी लिम्फ नोड तो पक्का याद होना चाहिए कि जो ब्रेस्ट का लिम्फ है वो ड्रेन होता है एक्सिलरी लिम्फ नोड में और एक्सिलरी लिम्फ नोड में भी अगर हम बात करें तो एक्जिलरी लिम्फ नोड जो है एक्सिलरी लिम्फ नोड जो है इसके पांच अलग अलग ग्रुप बनते हैं एक्सिलरी लिम्फ नोड के पांच अलग अलग ग्रुप्स होते हैं कौन कौन से एंटीरियर पोस्टीरियर लेटरल सेंट्रल और लास्ट होता है एपिकल ठीक है तो पांच अलग अलग ग्रुप बनते हैं एक्जिलरी लिम्फ नोड के एंटीरियर ग्रुप पोस्टीरियर ग्रुप लेटरल ग्रुप सेंट्रल ग्रुप एंड एपिकल ग्रुप तो मेनली एक्जिलरी लिम्फ नोड में ट्रेन होता है लिम्फ ब्रेस्ट का तो एक्जिलरी में भी पांच ग्रुप है ना तो उसमें भी कौन से ग्रुप में मेनली एंटीरियर ग्रुप में तो सबसे पहला पॉइंट लिफ नोड में क्या है एक्जिलरी लिम्फ नोड्स चीफली द एंटीरियर ग्रुप और एंटीरियर ग्रुप का दूसरा नाम होता है पेक्टोरल ग्रुप ठीक है उसके अलावा जो पोस्टीरियर लेटरल सेंट्रल और एपिकल ग्रुप है उसमें भी लिम्फ आता है दे ऑल्सो रिसीव लिम्फ फ्रॉम ब्रेस्ट आइदर डायरेक्टली आएगा या फिर इनडायरेक्टली किसी भी तरह से आए लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उनमें नहीं आएगा चीफली एंटीरियर ग्रुप में आता है लेकिन बाकी ग्रुप्स में भी आता है ये बात नहीं है कि एंटीरियर में आता तो बाकियों में नहीं आएगा एक्जिलरी लिम्फ नोड्स के पांच ग्रुप्स हैं पांचों के अंदर लिम्फ आता है लेकिन मेनली एंटीरियर में आता है ठीक है अब सेकंड पॉइंट पहला हमने लिम्फ नोड मेन कौन सा पढ़ लिया एक्जिलरी लिम्फ नोट्स सेकेंड जो इंपॉर्टेंट लिफ नोड है वो है इंटरनल मेमरी नोड्स या फिर इसको क्या बोलते हैं पैरा नोड्स नोट्स सेकेंड इंपॉर्टेंट ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड्स क्या है इंटरनल मेमरी नोड्स जो कहाँ लाए करता है अलोंग द इंटरनल थोरेसिक वेसल्स इंटरनल थोरेसिक वेसल्स होते हैं उनके आसपास ही प्रेजेंट होता है इंटरनल मेमरी नोड्स उसके बाद जो थर्ड है थर्ड में बहुत सारे आएंगे अब अब हमको बहुत सारे याद करने कौन से सुप्रा क्लेविकुलर नोट्स सीफेलिक नोट्स पोस्टीरियर इंटरकोस्टल नोड्स सब डायफ्रामेटिक एंड सब पेरिटोनियल लिम्फ प्लेक्स मतलब जो लिम्फ है ब्रेस्ट से वो कहाँ कहाँ जाता है सबसे पहली बात वो जाता है मेनली एक्सिलरी लिम्फ नोड में सेकेंड बात वो जाता है इंटरनल मेमोरी नोड्स में और उसके अलावा वो बाकी कई नोड्स में जाता है कई लिम्फ नोड्स में जाता है जैसे सुप्राक्लेविकुलर क्लेविकुलर नोट्स सिफेलिक नोड्स, पोस्टीरियर इंटरकोस्टल नोड्स, सब डायफ्रामेटिक लिम्फ प्लेक्सेस एंड सब पेरिटोनियल लिम्फ प्लेक्सेस अब इसमें आपको याद रखना है मेनली पोस्टीरियर इंटरकोस्टल नोड्स एंड सुप्रा क्लेविकुलर तो क्या क्या याद रखना है एक्जरी लिम्फ नोड याद होना चाहिए इंटरनल मेमोरी नोड याद होना चाहिए और सुप्रा क्लेविकुलर और पोस्टीरियर इंटरकोस्टल नोड याद होना चाहिए अब ये बात ध्यान रखना यहाँ पे वर्ड है चीफली ठीक है इंटरनल मेमोरी में भी जाता है और थोड़ा बहुत सम लिम्फ इन नोड्स में भी जाता है तो चीफली कहाँ जाता है एक्जिलरी लिम्फ नोड में अब बात करते हैं इनके लिफेटिक्स की मतलब लिम्फ वेसल्स की तो लिम्फ नोड पढ़ने के बाद हम अब आ चुके हैं लिम्फेटिक वैसल्स पे लिम्फेटिक वैसल्स को क्या बोलते हैं लिम्फैटिक्स भी बोल देते हैं एक ही बात है तो लिम्फेटिक वर्ड्स उनके घबराना मत लिम्फैटिक्स क्या है लिम्फ को ड्रेन करने वाली वैसल्स लिम्फेटिक वैसल्स तो लिम्फेटिक वैसल्स में हमारे पास दो तरह की होती हैं एक सुपरफिशियल और एक डीप सुपरफिशियल लिम्फेटिक वेसल्स होती हैं कुछ डीप लिम्फेटिक वेसल्स होती हैं अब सुपरफिशियल कौन से पार्ट को ड्रेन करती हैं ब्रेस्ट के और डीप कौन से पार्ट को ड्रेन करती है ये हम बात करेंगे तो सुपरफिशियल जो लिम्फेटिक वेसल्स हैं लिम्फेटिक्स हैं वो ड्रेन करती हैं स्किन ओवर द ब्रेस्ट को ब्रेस्ट के ऊपर जो स्किन है उसको ड्रेन करती हैं एक्सेप्ट अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है एक्सेप्ट किस किस को नहीं करेंगी निप्पल और एरियोला हमने स्किन में क्या क्या पढ़ा था स्किन ओवर द ब्रेस्ट में हमने दो इंपॉर्टेंट पढ़े थे ना निप्पल और एरियोला तो जो सुपरफिशियल लिम्फेटिक्स है वो स्किन ओवर द ब्रेस्ट को ड्रेन करता है लेकिन निप्पल और एरियोला को नहीं करेगा ठीक है ये बात इंपॉर्टेंट है उसके अलावा जो लिम्फेटिक्स हैं ये पास करते हैं रेडियली टू सराउंडिंग लिम्फ नोड्स अब ये लिम्फैटिक्स कहाँ जाएंगे लिम्फ नोड में तो ड्रेन करेंगे ना ये कौन से लिम्फ नोड एग्जिलरी मेन था कुछ इंटरनल मेमोरी में कर देंगे कुछ सुप्रा क्लेविकुलर में कर देंगे कुछ सीफेलिक में कर देंगे इस तरह से अलग अलग लिम्फ नोड्स में ड्रेन करते हैं लेकिन मेनली किस में करेंगे एक्जिलरी लिम्फ नोड में <coughs> उसके बाद बात करें डीप लिम्फैटिक्स की तो डीप लिम्फैटिक्स डीप वाले पार्ट को ड्रेन करेंगी अब डीप में क्या था पैरनकाइमा स्किन सबसे ऊपर थी फिर पेरनकाइमा था ना फिर स्ट्रोमा था तो पैरन कायमा जो है ब्रेस्ट का उसको कौन ड्रेन करता है डीप तो लिम्फेटिक्स तो डीप लिम्फेटिक्स ड्रेन पैरनकाइमा ऑफ द ब्रेस्ट लेकिन अब अगर आपको याद हो स्किन ऑफ द ब्रेस्ट को ड्रेन कर रहा था सुपरफिशियल लिम्फेटिक लेकिन स्किन में निप्पल और एरियोला को ड्रेन नहीं किया था इसने तो निप्पल और एरियोला को कौन ड्रेन करता है डीप लिम्फैटिक्स तो डीप लिम्फेटिक्स ऑल्सो ड्रेन निप्पल एंड एरियोला तो क्या याद रखना है हमारे पास स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेस्ट में तीन चीज थी कौन कौन सी स्किन पैरनकाइमा एंड स्ट्रोमा तीन चीज़ें थी ना स्किन को किसने ड्रेन किया सुपरफिशियल लिम्फेटिक्स ने एक्सेप्ट निप्पल एंड एरियोला पेरनकाइमा को किसने ड्रेन किया डीप लिफेटिक्स ने अलोंग विद निप्पल एंड एरियोला ठीक है ये बात याद रखना अब कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करते हैं लिम्फेटिक ड्रेनेज की तो जो सेवेंटी फाइव परसेंट लिम्फ है ब्रेस्ट से तीन ईसों में बात है हमने हंड्रेड परसेंट लिम्फ है हमारे पास ब्रेस्ट में मान लो सारा का सारा लिफ हमारे पास है उसको मैंने तीन हिस्सों में बांट दिया मतलब सेवेंटी फाइव जो है उसमें से वो जाएगा कौन से नोड्स में एक्जिलरी नोड्स में ट्वेंटी जो है उसमें से जाएगा इंटरनल मेमोरी नोड्स में और फाइव परसेंट उसमें से जाएगा पोस्टीरियर इंटरकोस्टल नोड्स में तो मैंने इसीलिए आपको उसमें ये वाली बात लिखवाई थी कुछ लिम्फ नोड्स में मैंने बोला था ना ये दो तो याद होने चाहिए सुपरा क्लेविकुलर और पोस्टीरियर इंटरकोस्टल तो पोस्टीरियर इंटरकोस्टल में फाइव परसेंट जो लिम्फ हैबरेस्ट का वो इसमें ही ड्रेन करता है 5% परसेंट लिम्फ पोस्टीरियर इंटरकोस्टल में जाता है इंटरनल मेमोरी में 20% परसेंट जाता है और 75% परसेंट जाता है एक्सिलरी लिम्फ नोड्स में एक्सिलरी में भी मेनली किस में एंटीरियर वाले ग्रुप में तो अमंग एक्सिलरी लिम्फेटिक्स एंड मोस्टली मोस्टली किस में एंड करते हैं एंटीरियर ग्रुप में क्योंकि यही मेन था एंटीरियर को पैक्टोरल भी बोल देते हैं पैक्टोरल ग्रुप ठीक है और पार्टली किस में जाता है पोस्टीरियर और एपिकल में तो पहले एंटीरियर मेन है उसके बाद सेकेंड नंबर पर मेन कौन है एग्जीलरी में पोस्टीरियर और एपिकल तो अब हम थोड़ा सा इसको और अच्छे से समझते हैं तो लिम्फ जो है एंटीरियर और पोस्टीरियर ग्रुप में चला गया मान लो एग्जीलरी की बात कर रहा हूँ एग्जिलरी लिम्फ नोड में एंटीरियर और पोस्टीरियर ग्रुप में कुछ लिम्फ चला गया अब यहाँ से लिम्फ कहाँ पास करता है यहाँ से वो पास करता है सेंट्रल और लेटरल वाले ग्रुप्स में और सेंट्रल और लेटरल से कहाँ पास करता है एपिकल वाले ग्रुप में तो एंटीरियर और पोस्टीरियर ग्रुप में जो लिम्फ होगा वो कहाँ जाएगा सेंट्रल और लेटरल में जाएगा सेंट्रल और लेटरल से कहाँ जाएगा एपिकल में जाएगा और एपिकल के बाद एंड कहाँ पर करेगा सुपर सुपरा क्लेविकुलर नोड्स में और वहाँ से फिर आगे जाएगा जहाँ भी उसको जाना होगा तो सुपरा क्लेविकुलर नोड्स में ये एक्जलरी वाला सिस्टम एंड करता है तो एक्जरी नोड से अगर आपसे पूछा एक्जिलरी नोड्स में लिम्फ चला गया अब यहाँ से कहाँ जाएगा यहाँ से वो जाता है सुपरा क्लेविकुलर नोड्स में ठीक है सुपरा क्लेविकुलर नोड्स में उसके बाद लिम्फ को जाना कहाँ होता है एंड में थोड़े से डक्ट में तो जाना होता है ना सारे के सारे लिम्फ को तो हमने अभी तक मेनली uh, एक पॉइंट हमने देखा था ना ये 75 फाइव परसेंट कहाँ ड्रेन करता है 20 परसेंट फाइव परसेंट कहाँ ड्रेन करता है उसके बाद सेकंड पॉइंट है कि जो इंटरनल मेमोरी नोड्स हैं वो ड्रेन करते हैं इनर और आउटर हाफ दोनों को ब्रेस्ट के इनर हाफ को भी ड्रेन करते हैं और आउटर हाफ को भी ड्रेन करते हैं ये कुछ पॉइंट्स हैं याद आए तो लिख देना ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है ये पक्का लिखना है आपको एग्ज़ाम में कि जो एरियोला है हमारा उसके डीप में अगर हम देखेंगे तो एक प्लेक्सस ऑफ लिम्फ वेसल्स प्रेजेंट है लिम्फ वेसल्स भी एक प्लेक्सस बना लेती मिल के आपस में एक प्लेक्सस बना देती हैं तो ग्रुप ऑफ लिम्फ वेसल्स को प्लेक्सस बोल देंगे ठीक है तो लिम्फ वेसल्स मिलके एक प्लेक्सस बना देती हैं डीप टू द एरियोला जिसको बोलते हैं सब एरियोलर प्लेक्सस ऑफ सेपे क्या बोलते हैं सब एरियोलर प्लेक्सस ऑफ सेपे क्यों एरियोला के नीचे है इसलिए क्या बोला सब एरियोलर प्लेक्सस ऑफ सेपे प्लेक्सस क्यों क्योंकि वो लिम्फ वेसल्स का प्लेक्सस बना हुआ है और ये सब एरियोलर प्लेक्सस ऑफ सेपे जो है इसमें जो भी लिम्फ होगा वो किस में ड्रेन करता है वो एंटीरियर ग्रुप ऑफ द लिम्फ नोड में ड्रेन करेगा अब देखो फिर से सारी कहानी बताऊं अब इसने भी एंटीरियर में ड्रेन कर दिया एंटीरियर में कितना ड्रेन होता है लगभग सेवेंटी फाइव परसेंट होता है एक्जिलरी लिम्फ नोड में उसका मतलब मैक्सिमम एंटीरियर में ही होता है मान लो सिक्सटी परसेंट एंटीरियर में हो रहा होगा मान लो बोला है मैंने तो अब प्लेक्सस ऑफ भी किसमें ड्रेन किया एंटीरियर ग्रुप में एंटीरियर किसमें देगा याद करो ना इसको एंटीरियर किसमें देगा सेंट्रल एंड लेटरल ग्रुप में सेंट्रल और लेटरल किस में देंगे एपिकल ग्रुप में एपिकल किस में देगा सुप्रा क्लेविकुलर वाली नोड्स में ठीक है तो इसलिए सुपरा क्लेविकुलर वाली नोड्स भी इंपॉर्टेंट थी और एक और जो मैंने पोस्टीरियर इंटरकोस्टल नोड्स बोला था वो भी इंपॉर्टेंट है उसके अलावा दो कौन से इंपॉर्टेंट है सबसे इंपॉर्टेंट तो एक्जिलरी है ना सबसे इंपॉर्टेंट एक्जिलरी लिफ नोट्स सेकंड नंबर पे इंटरनल मेमोरी नोट्स और थर्ड नंबर पे है हमारे पास पोस्टीरियर इंटरकोस्टल नोट्स और सुप्रा क्लेविकुलर नोट्स अब एक लास्ट पॉइंट रहेगा लिम्फेटिक ड्रेनेज में वो ये है जो चूंकि जो लिम्फेटिक्स हैं डीप सर्फेस ऑफ द ब्रेस्ट से जो लिम्फेटिक्स हैं वो पास करते हैं पैक्ट्रोलिस मेजर मसल के थ्रू पास करेंगे उसके बाद क्लेवी पेक्ट्रोल फेशिया को पियर्स करते हुए वो एपिकल नोड्स में जाके ड्रेन करते हैं और इंटरनल मेमरी नोड्स में भी ड्रेन करते हैं मतलब जो डीप सरफेस ऑफ ब्रेस्ट है डीप सरफेस ऑफ ब्रेस्ट जो है वहाँ से जो लिम्फ नोड्स होंगी लिम्फेटिक्स होंगी वो ड्रेन करती हैं किसमें एपिकल नोड्स में किसके थ्रू पास करते हैं पैक्ट्रोलिस मेजर मसल को पियर्स करते हुए जाती हैं क्लेवी पैक्ट्रोल फेशिया को पियर्स करते हुए जाती हैं और एपिकल नोड्स में जाके ड्रेन करेंगी और इंटरनल एपिकल नोट इंटरनल मेमोरी नोट्स में भी ड्रेन करती है तो ये लाइन इंपॉर्टेंट है अभी हम देखते हैं डायग्राम। अब ये वाला डायग्राम जो है लिम्फेटिक वाले उसमें आपको बना के आना है तो ये हमारी ब्रेस्ट है ठीक है ये ब्रेस्ट है उसके अलावा ये क्लेविकल है ये क्लैविकल वाली लाइन है तो इसके ऊपर वाले नोट्स कौन से हो गए सुप्रा क्लेविकुलर ठीक है और ये ऊपर की तरफ है ये भी इसलिए इसको एपिकल एपिकल किसका है नोड्स का ग्रुप है ना एक्जिलरी के पांच ग्रुप थे अब वो पांचों यहाँ पे पहले लिख ही देते हैं एक्जिलरी के पांच थे मेनली सबसे वन था एंटीरियर नंबर टू था हमारे पास लेटरल सॉरी नंबर टू था पोस्टीरियर नंबर थ्री लेटरल नंबर फोर सेंट्रल एंड नंबर फाइव एपिकल ये पाँच हमने पढ़े थे एक्जिलरी लिम्फ नोड्स के पाँच अलग अलग ग्रुप्स हमने पढ़े थे एंटीरियर पोस्टीरियर लेटरल सेंट्रल एंड एपिकल तो ये पांचों एक्जिलरी लिम्फ नोड्स के अलग अलग टाइप्स हैं तो एपिकल वाले सबसे ऊपर होंगे एंटीरियर एग्जिलरी एक्ज़िला में सबसे आगे सेंट्रल एग्जीलरी बीच में लेटरल एग्जिलरी लेटरली पोस्टीरियर एग्जिलरी एक्जिला में पीछे की तरफ होंगे इसलिए नाम पोस्टीरियर एग्जीलरी पड़ा है और एक होते हैं इंटरनल मेमरी जो मीडियली प्रेजेंट होते हैं ब्रेस्ट के मीडियली इंटरनल मेमरी ठीक है तो सबसे नाइन्टी फाइव परसेंट सॉरी सेवेंटी फाइव परसेंट किस में ड्रेन करता है सेवेंटी फाइव परसेंट तो इसमें ड्रेन करता है इन पाँचों में ठीक है इंटरनल मेमोरी में कितना ड्रेन करता है ट्वेंटी परसेंट और पाँच परसेंट किस में ड्रेन कर रहा था पोस्टीरियर इंटरकोस्टल नोड्स में अब इसमें भी हमने क्या बात की थी कि जो एंटीरियर और पोस्टीरियर में होगा वो किस में, में जाएगा सेंट्रल में और लेटल में जाएगा यहाँ से भी सेंट्रल में और लेटल में जाएगा ठीक है और सेंट्रल और लेटरल से कहाँ जाएगा एपिकल में देखो ये इस तरह साइकिल चलती है सेंट्रल और लेटरल से एपिकल में और एपिकल से कहाँ जाएगा सुपरा क्लेविकुलर नोड्स में तो जो एंटीरियर पोस्टीरियर एक्जिलरी थी वहां से कहाँ गया लेटरल और सेंट्रल एग्जिलरी वाले नोड्स में और सेंट्रल और लेटरल uh, से कहाँ गया एपिकल वाले नोड्स में देखो यहाँ पे और एपिकल से कहाँ गया सुप्रा क्लेविकुलर वाले नोड्स में तो ये हमारे हमने बात की लिम्फ नोड्स ड्रेनिंग द ब्रेस्ट तो फिर से एक बार रिवाइज करा देता हूँ क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक है सेवेंटी फाइव परसेंट किस में ड्रेन करते हैं एक्जिलरी नोड्स में तीन दी में इंपॉर्टेंट तीन ही नोड्स थे एक्सिलरी नोड्स इंटरनल मेमोरी नोड्स ठीक है और थर्ड नंबर पे क्या था बहुत सारे थे सिफेलिक नोड्स थे ठीक है पोस्टीरियर इंटरकोस्टल नोड्स थे सुप्रा क्लेविकुलर नोड्स थे सब डाइफ्रामेट्रिक नोड्स थे तो बहुत सारे नोट्स थे इसको नोट्स से ही समझते हैं यार ऐसे लिखने में समझ नहीं आएगा आपको दोबारा से एक बार रिवाइज़ करा देता हूँ तो हमने क्या बात की लिम्फ दे, लिम्फेटिक लिम्फैटिक ड्रेनेज में कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो कैंसर है ब्रेस्ट का वो इन्हीं लिम्फेटिक और लिम्फ नोड्स के थ्रू फैलता है अलग अलग ऑर्गन्स में तो लिम्फ नोड्स जो हैं हमने तीन तरह के तीन पॉइंट पढ़े थे लिम्फ नोड में हम दो तरह से पढ़ेंगे लिम्फ नोड और लिफेटिक्स लिम्फ नोड में बात करें तो तीन लिम्फ नोड होते हैं इंपॉर्टेंट एक्जिलरी लिम्फ नोड एक्जिलरी के पांच ग्रुप्स होते हैं एंटीरियर पोस्टीरियर लेटरल सेंट्रल एंड एपिकल मेन मेन कौन सा होता है एंटीरियर सेकेंड इंपॉर्टेंट लिम्फ नोड था इंटरनल मेमरी नोड्स और थर्ड नंबर पर बहुत सारे नाम थे मेन मेनली सुप्रा कलेविकुलर और पोस्टीरियर इंटरकोस्टल आपको याद रखने को मैंने बोला था उसके बाद हमने बात की लिफेटिक्स की मतलब लिम्फेटिक वेसल्स की दो तरह की थी सुपरफिशियल और डीप सुपरफिशियल ड्रेन कर रही थी स्किन ओवर द ब्रेस्ट को एक्सेप्ट निप्पल एंड एरियोला और डीप वाली ड्रेन कर रही थी पेरनकाइमा ऑफ द ब्रेस्ट को और निप्पल और एरियोला को भी उसके बाद हमने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़े कि सेवेंटी लिम्फ ड्रेन करता है एक्जिलरी में 20 परसेंट इंटरनल मेमोरी में और 5 परसेंट पोस्टियर इंटरकोस्टर में टोटल 100 परसेंट जो लिम्फ है ब्रेस्ट का वो इन्हीं तीन जगह पे मेनली ड्रेन होता है सेवेंटी फाइव ट्वेंटी और फाइव परसेंट बाकी थोड़ा थोड़ा एक एक परसेंट कहीं कहीं से चला जाता होगा उसके अलावा एग्जिलरी में भी मेनली किस में ड्रेन होता है एंटीरियर ग्रुप में ठीक है उसके बाद किस में होगा पोस्टीरियर और एपिकल में तो मान लो लिम्फ जो है एंटीरियर और पोस्टीरियर ग्रुप में कुछ कोई लिम्फ है एंटीरियर पोस्टीरियर ग्रुप में लिम्फ आ गया अब यहाँ से कहाँ जाएगा सेंट्रल और लेटरल ग्रुप में जाता है सेंट्रल और लेटरल से कहाँ जाता है एपिकल ग्रुप में अब तक ये तीनों किसके पार्ट्स थे ये एक्जिलरी लिम्फ नोड्स के पांच ग्रुप थे अब एपिकल ग्रुप में सारा का सारा लिम्फ आ गया अब एपिकल से कहाँ जाएगा सुप्रा क्लेविकुलर नोट्स में जाएगा उसके अलावा इंटरनल मेमरी में भी जाता है कुछ और कुछ हमारा पोस्टियल इंटरकोस्टल में भी जाता है तो इस तरह से लिम्फेटिक ड्रेनेज हमारी खत्म होती है अब नेक्स्ट वीडियो जो है उसमें हम बात करेंगे इसकी डेवलपमेंट ऑफ द ब्रेस्ट की और उसके बाद हम बात करेंगे इसके क्लिनिकल वाले पार्ट की तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को शेयर कर देना थैंक यू